हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। तो एबे आमे पढ़ा ए पर्टिकुलर वीडियो रे चैप्टर नंबर 36 दैट इज अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। किसी स्टेट मानक स्पेशल प्रोविजन रखाई आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो यहाँ है चैप्टर नंबर 37 ऑफ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। आम पार्ट फोर रो लास्ट चैप्टर आम पढ़ुचे। देख, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाईकोर्ट, ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड एट लास्ट द चैप्टर इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट कौन कौन अच्छी ना, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा आउ कर्णाटक को लेकिन कौन कौन स्पेशल प्रोविजन अच्छी ताकू आम डिस्कस करवा। तो इंट्रोडक्शन आम देखा आर्टिकल 371 to 371J इन पार्ट 21 ऑफ द कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्णाटक। जदि आम स्मॉल मैप गोटे आम एदी कंपेयर करवा ताले आम विजुअलाइज कर पारिबा को स्टेट को स्पेशल पावर दि जाइए। फास्ट देखो महाराष्ट्र, तापरे मणिपुर, तापरे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात आगो, तापरे नागालैंड, नागालैंड, तापरे मणिपुर, तापरे आसाम, आंध्र प्रदेश, ठीक अच्छे, तेलंगाना, मिजोराम, तापरे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तेणु तुम जापार्थ कौ कौ जगह को स्पेशल प्रोविजन कर। देखो नॉर्दर्न स्टेट किसी ना, गुजरात आउ आमर क्या महाराष्ट्र, ताप रहा कौन गोवा, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोराम। तो इजिली तुम मन रखिपर जो कौ कौ स्टेट को स्पेशल पावर दि जाइए। तो ये स्पेशल पावर दि जाइए कौन पर स्पेशल पावर दि जाइए ना, मेजर इंटेंशन बिहाइंड देम इज टू मीट द आस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट और टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट और टू डील विद द डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट ऑफ द स्टेट और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द स्टेट। तार मल्टीपल रीजन अच्छी, एमती स्पेसिफिक गोटे रीजन ना। फास्ट देखिए देखो आस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट, फास्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट फास्ट, देन टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट, सेकेंड टू डील विथ, थर्ड आई मीन थर्ड पढ़ुचे टू डील विथ द डिस्टर्ब लॉ एंड अंडर कंडीशन इन द सम पार्ट ऑफ द स्टेट, थर्ड फोर्थ है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द स्टेट। तेणु मेजरली मैंने स्पेसिफिकली चारिटा ऑब्जेक्टिव को लेकिन आम स्पेशल प्रोविजन किसी स्टेट मानक केते नंबर स्टेट 12 नंबर स्टेट आर देयर। Originally, the Constitution did not make any special provision for this state. They have been incorporated by various subsequent amendments made in the context of reorganization of the state or conferment of the statehood on the union territories. ताले provision को हमें देखिवा गुजरात आउ महाराष्ट्र को नहीं कि कौन provision अच्छी। Under Article 371, President is authorized to provide that the governor of the Maharashtra and that of Gujarat would have special responsibility for the establishment of separate development board, first la development board for kaharo na Vidarbha, Marathawada and the rest of Maharashtra, then Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat. Maharashtra aur Gujarat ko neki article 371 specify hichi. To ko provision korajibo na, making a provision that a report on working of this board would be placed every year before the state legislative assembly. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे गोटे स्पेशल रिपोर्ट प्रोविजन करा जाइछि, तांकर जो ये जो बोर्ड अच्छे डेवलपमेंट बोर्ड रो वर्किंग को लेकिन गोटे रिपोर्ट आमर सबु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे ताकू प्लेस करिया पे कहा जाइछि। द इक्विटेबल आलोकेशन ऑफ द फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ अवर अबव मेंशनड एरिया एंड एन इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशनड एरिया। तो अबव मेंशनड एरिया मैंने कौन, विदर्भ, मराठवाड़ा एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र,
कच्छ एंड द रेस्ट ऑफ गुजरात। तो यही सब एरिया रे कौन प्रोवाइड करा जिबो ना इक्विटेबल आलोकेशन ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आउ इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशनड एरिया। तो बुझी पाल आर्टिकल 371 कौन कौन महाराष्ट्र एंड गुजरात को लेकिन कौन। तो आम आर्टिकल 371 आउ 371 टू जे जो पार्ट 21 जो अच्छी आम देखी आम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 पार्ट 4 ए पार्ट 5 पार्ट 6 आम कम्प्लीट कर सारीचे। तापर आम को पाखु जाइले ना एमरजेन्सी प्रोविजन कम्प्लीट करते। तो यही जो आम चैप्टर पढ़ुचे कौटा ना टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशियाल प्रोविजन जो अच्छी स्पेशियाल प्रोविजन को आम पढ़ुचे 371 जे जहाँ प्रोविजन अच्छी आम पार्ट डबल एक्स आई बा 21 पार्ट आम पढ़ुचे। तो एबे आम देखा व्हाट आर द प्रोविजन फॉर नागालैंड। आम देखिले महाराष्ट्र गुजरात को लेकिन कौन प्रोविजन देखिले। तो नागालैंड को लेकिन देख 371 ए अच्छी। तो ये आम जस्ट मन रखी रखी चलिया 371 है कौन महाराष्ट्र गुजरात। तापर 371 ए जदि कौच 371 ए है नागालैंड। तेल नागालैंड जदि है द आक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड्स। इतने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसीजन मेकिंग पावर दि जाएगी। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागा नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इनवल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ एंड ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेस। देन द गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट सो लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय हॉस्टाइल नागा कंटिन्यू। इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नर आफ्टर द गवर्नर आफ्टर द गवर्नर आफ्टर मुझे कौन रिपीट कर गवर्नर ये मन रख गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट हिज डिसीजन इज फाइनल। दिस स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर शैल कीज व्हेन द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट। द गवर्नर हैज टू एनश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर ए ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पज एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड मूव इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। A regional council consisting of 35 members should be established for Twensang district of the state. The governor should make rule for the composition of the council, manner of choosing its member, their qualification, term, salaries and allowances, the procedure and conduct of business of the council, the appointment of the officer and staff of the council, their service condition and any other matter relating to the constitution and proper functioning of the council. स्पेसिफिकली जो देखा आम आर्टिकल 371 गवर्नर ऑफ नागालैंड को एबे स्पेशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आउ से जो गवर्नर कौन ना स्टेट लेजिस्लेचर आउ नागा पीपल मान भितर गोटे इंटरलिक्वेटर हो रे। तो सब जिनस मैंने बहुत इंपोर्टेंट ये नागालैंड इश्यू एवं नागालैंड मानक जो नागा फैक्ट बा नागा एकॉर्ड जो ताकू बेस करी बहुत सारा न्यूज भी ताकू भी तुम्हें देखिपार रेफर कर इन कमिंग टाइम आम भी डिस्कस करवा व्हाट इज द इश्यू इन रिगार्डिंग नागा पीपल और नागा एकॉर्ड। तो एबे जस्ट आम देखा नेक्स्ट कौन कौन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। देखो फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड और सच फर्दर पीरियड एज गवर्नर मे स्पेसीफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल काउंसिल द फॉलोइंग प्रोविजन वुड बी ऑपरेटिव फॉर द ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट। तो कौ कौ प्रोविजन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट शाल बी कैरिड ऑन द गवर्नर। तेणु मन रख गवर्नर पाखे स्पेशियाल पावर रोच पर्टिकुला टू नागालैंड। द गवर्नर शाल बी इन डिस्क्रिशन आरेंज टू इक्विटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर बिटवीन ट्वेन्स डिस्ट्रिक्ट एंड द रेस्ट ऑफ नागालैंड। एनी आक्ट ऑफ द नागालैंड लेजिस्लेचर शाल नॉट अप्लाई टू ट्वेन्स डिस्ट्रिक्ट अनलेस द गवर्नर सो डायरेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल काउंसिल। देन द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस गुड गवर्नमेंट ऑफ द ट्वेनसांग। द एनी सच रेगुला मे रिफिल और अमेंड एन आक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी अदर एप्लीकेबल टू दैट डिस्ट्रिक्ट।
देयर शैल बी अ मिनिस्टर ऑफ ट्वेनसांग अफेयर इन एस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंग्स द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट इन नागा लेजिस्लेटिव असेंबली. द फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेड बाय द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिप्शन. तेणु गवर्नर पाखे बहुत पावर अच्छी पर्टिकुला टू यही आसपेक्ट. मेम्बर्स इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल बट बाय रीजनल काउंसिल. तेणु नागालैंड को बेस्ट करके कौ आर्टिकल अच्छी ना 371A. तो ये देखा आसाम और मणिपुर को लेकिन कौन अच्छी तो आम देखिले 371 कौन अच्छी महाराष्ट्र और गुजरात 371A कौन नागालैंड तो 371B कौन आसाम को लेकिन अच्छे 371C क्या लेकिन अच्छे मणिपुर को लेकिन अच्छे. तो आर्टिकल 371B कौन कहे द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कमिटी ऑफ द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट एंड सच अदर मेंबर आज ही मे स्पेसिफाई. देन मणिपुर को लेकिन कौन कहे आर्टिकल 371C इट मेक द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर मणिपुर द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए कमिटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट दैट द गवर्नर शैल बी द स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमिटी. द गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया. The central government can give direction to the state government as to the administration of the hill area. तेणु हिल एरिया को स्पेसीफाई करवा मणिपुर मोर हिल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन तार जो अच्छी नहीं कि आम 3371C को बेस करके अच्छे. देन आसाम जदि आम देखा ट्राइबल एरिया ऑफ द स्टेट को लेकिन अच्छे तो आसाम है कौन ट्राइबल एरिया मणिपुर है हिल एरिया. तो एमती करके जस्ट मन रखे अभी 4 स्टेट कौन 371, 2, 3, 4 एमती कि चारिटा आम देखले तापर प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तो 371D आम यहाँ मुझे कौन पर लिखुचे ना तुम मन रही 371 कौन महाराष्ट्र एंड गुजरात 371A कौन नागालैंड 371B 371C 371B कौन आसाम 371C मणिपुर. तो 371D कौन आंध्र प्रदेश आउ डी एंड ई है आंध्र प्रदेश. तो देखिबा आर्टिकल 371D कंटेन द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश. इन 2014 आर्टिकल 371D हाज बीन एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना. तेणु डी तेलंगाना को एक्सटेंड हो गला बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014. अंडर आर्टिकल 371D द फॉलोइंग आर मेंशनड द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड डिफरेंट प्रोविजन कैन बी मेड फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट. तो यहाँ क्या एम्पावर कर प्रेसिडेंट को एम्पावर कर फॉर द एबव पर्पज द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट इन लोकल कैडर फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ एनी लोकल कैडर. ही मे स्पेसिफाई पार्ट ऑफ द स्टेट व्हिच शैल बी रिगार्डेड एज द लोकल एरिया फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ही मे ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ द प्रिफरेंस ऑफ रिजर्वेशन गिवेन इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट इन एनी सच कैडर और एडमिशन टू एनी सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देन थर्ड डे कौन कौन ना द प्रेसिडेंट मे प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन द स्टेट टू डील विथ सर्टेन डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट एंड प्रमोशन टू द सिविल पोस्ट इन द स्टेट. तेणु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अच्छी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौ आर्टिकल मेंशन होती तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. एबे देखिबा आमे द ट्राइब्यूनल इज सो फंक्शन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टेट हाईकोर्ट. No court other than the Supreme Court is exercise any jurisdiction in respect of any matter subject to the jurisdiction of the tribunal. आम आगु जानते जो जजमेंट दे 2008 जो जजमेंट आसला पर कौन ट्राइब्यूनाल जो अपिल कौटे रोप सुप्रीम कोर्ट पाखे रुपए पुणी
हाइकोर्ट को हाइकोर्ट रे भी रही परिबो बोली जजमेंट आसीला किंतु एही पर्टिकुलर एथिरे कोन ना एही जो आंदो तेलंगाना रो जो एरिया जो ट्राइब्यूनल जाउची एही एरिया रे तांकर जो कोन होची जो तांको पाखरे जो अपील पावर टा रहूची डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करबे बोली से मेंशन करूची द प्रेसिडेंट मे अबोलिश द ट्राइब्यूनल व्हेन ही सैटिस्फाइड दैट इट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी Then Article 371E empowers the Parliament to provide for establishment of a central university in the state of Andhra Pradesh. So, 371E, Andhra Pradesh is a central university in the state Andhra Pradesh. So, I will mention it. So, I will review 371A, 371B, 371C, 371D, 371E. ताले कुह 371 रे कौन महाराष्ट्र गुजरात 371A कौन 371A कौन नागालैंड 371B कौन आसाम कोडा स्केड्यूल एरिया ना ट्राइबल एरिया आउ 371C मणिपुर हिल एरिया 371D तेलंगाना इतरे सब डेवलपमेंट हबो हमर एजुकेशनल एजुकेशन जो कैडर गोटे क्रिएट हबो तांकर डेवलपमेंट पई तापर 371E हला कोन आंध्र प्रदेश कोन आंध्र प्रदेश रे गोटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो बोली से मेंशन करिछि त सिक्किम को नेकी हमर कोडा 371F 371F रे हमर सिक्किम को नेकी अछि द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड सिक्किम ए फुल प्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इट इंक्लूडेड इन द 371F कंटेनिंग द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द टू सिक्किम दीज आर फॉलोज द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 30 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रे रहिबे वन सीट इज अलॉटेड टू सिक्किम इन द लोकसभा एंड सिक्किम फॉर्म्स वन पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी For the purpose of protecting the right and interest of the different section of the Sikkim population, the parliament is empowered to provide for the number of seats in the Sikkim Legislative Assembly which may be filled by candidate belonging to such section. Delimitation of the assembly constituency from which candidate belonging to such section alone may stand for election to assembly. Then the governor shall have special responsibility. Governor shall have special responsibility for peace and for the equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of the different section of the Sikkim population. In the discharge of this responsibility, the governor shall act in his discretion, subject to the direction issued by president. Tale discretionary power ka pakre rochi governor shall act in his discretion and the direction should be issued by President. The President can extend with restriction or modification to Sikkim any law which is in force in a state or of the Indian Union. The President seta ko extend bhi kari paribe. To ame dekhile 371 re Maharashtra, Gujarat, 371A re Nagaland, 371B re Assam, C re Manipur, 371D Telangana, 371 Andhra Pradesh, E, 371F Sikkim. तो लास्ट आम देखा मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा आउ कर्नाटक तो मिजोराम को आम देखा आर्टिकल 371G स्पेसीफाई द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोराम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर वुड नॉट अप्लाई मिजोराम अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड तेणु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पाखे पावर रोचे मिजोराम रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इनवॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द मिजो कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड द मिजोराम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर दैन 40 मेंबर आमर एटी देखिथिले कार सिक्किम रो 30 मेंबर नॉट मोर दैन 30 मेंबर एटी आमर नॉट मोर दैन 40 मेंबर तो ये पर्टिकुलरली कहुच मिजोर जो कस्टमरी लॉ सोशल प्रैक्टिसेस ताकू चेंज करी परिबनी कॉन्स्टिट्यूशन
जेपर्यंत स्टेट लेजिस्लेटिव आसेंबली न चाहिए। देन प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 371 जी रे आम देखे मिजोराम एवं 371 एच रे आम देखा अरुणाचल प्रदेश तापर 371 आई रे गोवा तो देख गवर्नर देख 371 एच रे कौन कौन द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट इन द डिस्चार्ज ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल द स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर शैल कीज व्हेन द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कनसिस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 30 मेंबर तेणु स्पेशियाल प्रोजन गुड़े आमर जो आम पढ़ी आगु जो जो स्टेट जो स्टेट लेजिस्लेट आसेम्बली जो पढ़ी स्टेट लेजिस्लेचर कौन होता ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर के सीट आम स्टेट लेजिस्लेट आसेम्बली तो से जिनस गुड़ाक ये एक्सेपसन दि जाएँ आम देखे ये 30 मेंबर मैक्सिमम सिक्किम्रे मिजोराम 40 अरुणाचल प्रदेश में 30 तापर आर्टिकल 371 आई गोवा को लेकिन कौचे कौन ना इट प्रोवाइड दैट गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर दैन 30 मेंबर्स तो आम जस्ट रिव्यू करवा पेज्रे आम रिव्यू करवा आफ्टर कर्णाटक अंडर 371 जे प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड दैट गवर्नर ऑफ कर्णाटक वुड हाव स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हैदराबाद कर्नाटक रीजन देन मेकिंग ए प्रोविजन दैट रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ग्रुप ऑफ द बोर्ड वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहार ना हैदराबाद कर्नाटक रीजन को बेस करी द इक्विटेबल आलोकेशन ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रीजन द रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द रीजन फॉर स्टूडेंट हु बिलोंग टू द रीजन तेणु जो स्टूडेंट यही जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन को बिलंग कर रिजर्वेशन ऑफ सीट प्रोवाइड कर इन एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन द रीजन फॉर द पर्सन हु बिलंग टू द रीजन आर्टिकल 371 जे व्हिच प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द हैदराबाद कर्नाटक रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 The special provision aimed to establish an institutional mechanism for equitable allocation of the funds to meet the development need of the region, as well as to enhance the human resources and promote employment from the region by providing for local cadre in the service and reservation in the educational and vocational training institution. In 2010, the Legislative Assembly as well as the Legislative Council of the Karnataka passed separate resolution seeking special provision for the Hyderabad Karnataka region of the state of Karnataka. The government of the Karnataka also endorsed the need for special provision for the region. The resolution sought to accelerate the development of the most backward region of the state and promote inclusive growth with a view to reducing the inter-district and inter-regional disparities in the state. तो आम जब रिव्यू करवा 371 ए 371 बी 371 सी 371 डी 371 ई एफ जी एच आई जे आम जे जाए देखुचे तो 371 कौन और कौन महाराष्ट्र एंड गुजरात 371 ए कौन नागालैंड 371 बी कौन आसाम 371 सी कौन मणिपुर 371 डी कौन तेलंगाना 371 ई कौन कार आंध्र प्रदेश 371 एफ कौन 371 एफ कौन सिक्किम तापरे 371 जी कौन मिजोराम 371 एच कौन अरुणाचल प्रदेश तापरे 371 आई कौन गोवा तापरे 371 जे कौन कर्णाटक तेणु ये आम कर्णाटक लिखा आई रे कौन गोवा तापरे आमर जी रे कौन देखिले एफ जी जी रे हला मिजोराम आउ मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा तो एच टा हला अरुणाचल प्रदेश जी टा हला मिजोराम तापरे एफ टा कौन एफ टा आम कौन देखते सिक्किम सिक्किम
तापर ए ए ये रखू जस्ट मन रख एति की तो मन रखला सिक्किम तापर सिक्किम तापर मिजोरम गोवा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा कर्नाटक तो एति की तो मन रखिबो तो एटा को जस्ट आउट रिव्यू करो 371 महाराष्ट्र गुजरात तापर नागालैंड तापर आसाम मणिपुर आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलंगाना डी ईटा हला आंध्र प्रदेश तापर एफटा कोन सिक्किम जीटा मिजोरम एचटा अरुणाचल प्रदेश आईटा गोवा जेटा हला कर्नाटक तो तुम इजिली मन रखी देल सबू ना नहीं तापर देख करेंट अफेयर रिलेटेड गोटे न्यूज अच्छी गवर्नर मॉडिफाई लॉज ऑन फॉरेस्ट राइट तो कॉन्टेक्स्ट कौन महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह केसरी हाज मॉडिफाइड द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 अलाइंग द राइटफुल क्लेमेंट ऑफ द फॉरेस्ट राइट टू अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी द गवर्नर हैज मॉडिफाइड सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इन इट्स एप्लीकेशन टू शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड इन हिम बाय शेड्यूल वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस कौन द नोटिफिकेशन इज इंपोर्टेंट टू प्रोवाइड जस्टिस टू ट्राइबल हुज इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हैज बीन रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट तो आउ थे मुझे पढ़ू नोटिफिकेशन इज इंपोर्टेंट टू प्रोवाइड जस्टिस टू ट्राइबल हुज इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हैज बीन रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट देन द नोटिफिकेशन अप्लाइज टू द एरिया कवर्ड इन द पंचायत दैट इज पेशा जो आक्ट कहते पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया आक्ट इन द स्टेट एंड अलाउ अपील प्रोविजन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज डिसीजन द नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट द डिविजनल लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू हेयर द अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज डिसीजन किए कमिश्नर किए रहिबे ना डिविजनल कमिश्नर चेयरमैन रहिबे इन द केस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन द अपील नीड टू बी मेड विद इन द 6 months हाउएवर इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन द एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 90 days द क्रिटिसिजम कौन कही ना एक्टिविस्ट हाउएवर आर कंसर्न दैट दिस विल लीड टू फर्दर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ दे से द नोटिफिकेशन इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड A tribal farmer will find it difficult to go to the district headquarters. They fear this committee will further delay the implementation of Forest Right Act. Delay means denial of justice and increased scope for fake claims. Tale 5th schedule kon 5th schedule kon na 5th schedule of the constitution deals with the administration and control of schedule areas. As well as scheduled tribes rising in any state other than the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So, ये गुड़ारे कौन अच्छे हमें special power अच्छी, हमें देखिले, तो देखो आउटर में पढ़ूँची, the fifth schedule of the constitution deals with administration and control of scheduled areas as well as scheduled tribes residing in any state other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. तो ये state को ये cover fifth schedule टा कवर करू नहीं तो स्पेशल प्रोविजन फॉर फिफ्थ शेड्यूल एरिया रे कौन होची ना गवर्नर ऑफ ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया साल एनुअली और व्हेनेवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट मेक ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन दैट स्टेट द यूनियन गवर्नमेंट साल हैव एग्जीक्यूटिव पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया तेणु कहा पाखे एग्जीक्यूटिव पावर रोचे ना यूनियन गवर्नमेंट पाखे जो रोचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया को लेकर एग्जीक्यूटिव पावर रोचे तो पारा 4 ऑफ द 5th शेड्यूल प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इन एनी स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर दैन 20 मेंबर ऑफ होम 3/4 शैल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली देखो 3/4 जो कंपोजिशन जो अच्छी लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट अच्छी 3/4 मेंबर शेड्यूल ट्राइब रहिबे इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसटी इन द शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज लेस दैन
इन द नंबर ऑफ सीट इन द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू बी फिल्ड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव द रिमेनिंग सीट शैल बी फिल्ड बाय अदर मेंबर्स दोज ट्राइब फंक्शंस ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी शैल एडवाइज ऑन सच मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट एज मे बी रेफर्ड टू देम बाय गवर्नर सो द गवर्नर मेक द रूल प्रेस्क्राइबिंग और रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल द मोड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट देयर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग एंड द प्रोसीजर इन जनरल द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल और शैल नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इन द स्टेट सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज स्पेसिफाइड द गवर्नर मे मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी एरिया इन द स्टेट व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग ए शेड्यूल एरिया सच रेगुलेशन मे प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ द लैंड बाय और अमंग द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन सच एरिया regulate the allotment of the land to member of the scheduled tribe in the area. In making such regulation, the governor may repeal or amend any act of the parliament or the legislature of the state or any existing law after obtaining the assent of president. तो एतिकी थिला फिफ्थ शेड्यूल को नहीं कि जो स्पेशल प्रोविजन जो शेड्यूल एरिया आम कौनटा पढ़ले ट्राइबल एरिया को बेस करके पढ़ले गोटे आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम बट ये जो फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरिया को लेकिन अच्छी तो या बेस करके आम गवर्नर को बेसी पावर दिए जदि आम देखा पर्टिकुलरली देखा फिफ्थ शेड्यूल आउ सिक्स शेड्यूल को देखा फिफ्थ शेड्यूल देख दी प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स देन सिक्स शेड्यूल कौन कही प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम तो जेहेतु सिक्स शेड्यूल स्टेट कवर हो जाए फिफ्थ शेड्यूल एमाने नहांती तो फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल आ सिक्स शेड्यूल को तुम्हें जदि क्वेश्चन आसो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल तार ऊपर गोटे आइडिया थी दरकार तो क्वेश्चन आज कौन रहा तुम्हें व्हाट आर शेड्यूल एरियाज एल्सो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट एटा क्वेश्चन ला डिफरेंशिएट बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ तुम निजे चेक कर कौटी शेड्यूल एरिया क्या कहती और फिफ्थ आउ सिक्स शेड्यूल भर डिफरेन्स मेनसन करके तुम आंसर लिख तो आज ये रहा तुम दुटा चैप्टर कंप्लीट कर जो आगो चैप्टर जो थी आमर जो कौटा सबऑर्डिनेट कोर्ट आउ एबे जो आम पढ़ले शेड्यूल जो आम स्पेशल प्रोविजन विथ रिगार्ड टू सम स्टेट जो थी चैप्टरटा तो यहाँ तुम कंप्लीट कलापर आमर यही पार्टा सरीगला आम पार्ट फोर कम्प्लीट करदे तेणु पार्ट फोर भी कम्प्लीट करदे आम नेक्स्ट आम पढ़ा काली पढ़ा आम पंचायत आउ म्युनिसिपैलिटी पढ़ा से आमर विदिन ए वीक रे कम्प्लीट हो तो दीटा पार्ट ए वीक रे कम्प्लीट हो तुम्हें जो मैंने रेफर कर पढ़ी मैंने प्रिवियस वीडियो प्रिवियस चैप्टर वीडियो सब कम्प्लीट कर तापर संडे गोटे एग्जाम हो मॉक टेस्ट तो से तुम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो तुम्हें निजे देख तुम्हें कैसे स्कोर करब्वियसली तुम्हें कौन करब्वियसली तुम एग्जाम कौन कर मेन आंसर लिख तेणु मेन आंसर भी फोकस करो एपटे प्रिलिम केमती क्लीअर हो ताकू भी फोकस करो आउ एमती मानने पॉलिटी एमती कवर हो जाओ जो सब जिन जमी तुमको जना थ मैंने बही जदि किसी क्वेश्चन आसला पर्टिकुलरली आईटा तुमको आसुनी मानने तुमको जमी गिल्टी फिल हम कौन पर बीट बाय बीट ये आम पढ़ुचे सब तो ताकू बेस करी तुम से अनुसार कष्ट कर कष्ट जदि कर से अनुसार तुमको रिजल्ट भी आसो ताकू मैंने रिजल्ट को आशा न करी तुम पढ़ी चल ए तो ये आज ये बाय बाय टेक केयर।